अल्लाम आप सबको अपनी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदी कहता हूँ इससे पहले हमने पढ़ा था स्क्वेयर रूट हाउ टू तो फाइंड स्क्वेयर रूट आज हम पढ़ेंगे क्यूब रूट हाउ टू तो फाइंड क्यूब रूट क्यूब रूट से पहले हम पढ़ेंगे परफेक्ट क्यूब जिस तरह हमने पढ़ा था परफेक्ट स्क्वेर इसी तरह हमने हम आज पहले पढ़ेंगे परफेक्ट क्यूब परफेक्ट क्यूब परफेक्ट क्यूब ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनका क्यूब बन जाए कैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू तो ये क्या बन जाएगा एट इसी तरह थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री इज़ इक्वल टू ट्वेंटी सेवन फोर मल्टीप्लाई बाई फोर मल्टीप्लाई बाई फोर मेरे पास बन जाएगा सिक्सटी फोर अब ये जो नंबर हमारे पास आया हुआ है इनको हम कहते हैं परफेक्ट तो हम ऐसे नंबर का क्या मालूम करेंगे क्यूब रूट मालूम करेंगे कोई भी ले, ले लेते हैं फॉर एग्जांपल और हाँ एक चीज़ और स्क्वायर रूट हम दो तरीक़ों से मालूम कर सकते थे एक था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और दूसरा था डिवीजन मेथड से लेकिन क्यूब रूट जो है वो एक ही मेथड से हम फाइंड करते हैं वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो क्यू जो डिवीजन मेथड है वो क्यूब रूट फाइंड उससे नहीं किया जा सकता अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो पहले काइंडली वो वीडियोस देख ले फिर इस वीडियोस पे आ जाए क्यूब रूट फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास नंबर है मैं कहता हूँ मेरे पास नंबर है फोर ज़ीरो नाइन सिक्स मेरे पास नंबर है अब इसका हमने मालूम करना है क्यूब रूट तो क्यूब रूट के लिए ये जो हमारे पास निशान है ये स्क्वायर रूट का है तो यहाँ पे हम जब छोटा सा तीन दे देते दे हैं इस तरह का तो ये होता है क्यूब रूट के लिए तो इसका मतलब है ये चीज़ हमने मालूम करना है तो फोर ज़ीरो नाइन सिक्स का फोर ज़ीरो नाइन सिक्स का हम पहले क्या मालूम करेंगे फैक्टर मालूम करेंगे फैक्टर मालूम करेंगे इसका तो सबसे पहले शुरू करते हैं टू से टू टू ज़ीरो टू फोर टू एट जे इसी तरह टू जो तो यह जाएगा हमारे पास इसी तरह टू फाइव जै टू वन जे टू टू जे इसी तरह हमारे पास बन जाएगा टू 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 फाइफ टू सिक्स ज़े फिर इसी तरह टू वन ज़ा टू टू ज़ा टू एट ज़ा इसी तरह टू टू सिक्स टू फोर इसी तरह टू थ्री टू टू इसी तरह हमारे पास टू वन ज़े टू सिक्स ज़े टू एट ज़ा फिर इसी तरह हमारे पास टू फोर ज़े टू टू ज़े इसी तरह टू वन ज़े तो ये हमारे पास इस तरह कुछ नंबर आ जाएगा तो हमारे पास जो फोर ज़ीरो नाइन सिक्स का जो क्यूब रूट है वो हमारे पास कुछ ही शक्ल में आ चुका है मैं आपके लिए गिन लेता हूँ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह तो हमारे पास टोटल कितने है? दो आगे बारह एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो इसके ऊपर आगे आ जाएगा क्यूब रूट तो हमारे पास तीन तीन को इकट्ठा करेंगे क्योंकि हम क्यूब कर रहे हैं लिहाजा तीन तीन को इकट्ठा करेंगे टू की पावर थ्री इसी तरह ये तीन आ गए इसी तरह ये आ जाएगा टू की पावर थ्री इसी तरह ये आ जाएगा टू की पावर थ्री इसी तरह ये आ जाएगा टू की पावर थ्री तो ये क्यूब रूट तीनों के ऊपर अलग अलग से क्यूब रूट ले लेंगे इसके ऊपर अलग से इसके ऊपर अलग से इसके ऊपर अलग से तो ये कैंसल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू तो ये बन जाएगा टू टू फोर फोर टू एट एट टू जेड सिक्सटीन इसका मतलब है फोर ज़ीरो नाइन सिक्स का जो क्यूब रूट है वो हमारे पास क्या है सिक्सटीन है उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ आ गया होगा इसी तरह अगर मैं आपके लिए फाइव वन टू का क्यूब रूट फाइव वन टू का अगर क्यूब रूट मैं मालूम करना चाहूँ तो आप बिल्कुल इसी मेथड से कर सकते हैं जो कि यहाँ पे पाँच सौ बारह इसी तरह इसका फैक्टर यहाँ से मालूम कर ले इसी तरह चलता जाए फिर आगे इसी तरह से ये कर ले उम्मीद करता हूँ ये आपको आपसे हो जाएगा इसी तरह अगर आप मज़ीद क्वेश्चन करना चाहते हैं एक्सरसाइज मेरे ख़्याल में होगा टू पॉइंट फाइव क्लास एट का टू पॉइंट फाइव तो वहाँ से आप एक्सरसाइज से देख ले जो भी जो सवालत है वो कर लें इन अगर कोई मसला हो गया तो मुझे ज़रूर बताइएगा मिलते हैं इन अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज